अगर ब्लैक है आपका फेवरेट कलर तो शायद आप छुपा रहे हैं अपनी बढ़ती कमर, लेकिन अब गर्मियों में कैसे पहनेंगे ब्लैक कलर? सफेद रंग अपनाएं और जल्दी से अपना वजन घटाएं। ये वाला डाइट प्लान जो पूरे महीने फॉलो करके ढेर सारा वजन आप लोग आसानी से लूज कर सकते हैं। फिर अपने मन चाहे कपड़े पहनिए और टेस्ट भी मिलेगा, स्लिम वेस्ट भी। वेट लॉस के नाम पे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किचन में पूरा दिन खाना बनाते ही रहेंगे। फ्रेश फूड के नाम पे इतनी सारी डिशेस जो इतनी मुश्किल हैं बनाने में, इतनी जेब खर्ची होगी, कैसे बनाएंगे? एक दो दिन फॉलो करके ही गिव अप कर देंगे। लेकिन इस डाइट प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी आसान रेसिपीज हैं कि आप बोलेंगे, भाई वाह, यही तो ढूंढ रही थी मैं। क्योंकि इस डाइट प्लान में इजी, सिंपल, इफेक्टिव वेट लॉस रेसिपीज दे रही हूँ आज मैं आप सबको। इस महीने के डाइट प्लान में एक आपको ऐसा फॉर्मूला दूंगी जिसका बड़ा ही साइंटिफिक महत्व है, जो आपके वेट लॉस रिजल्ट्स पाने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ताकि आप लोग भी जल्दी से वेट लूज करके अपने फेवरेट कपड़े पहन सके। अब यूट्यूब पे रोज आप ऐसे वीडियोस देखते हैं जहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं लोगों का, किसी ने 20 किलो कम करा, किसी ने इतने किलो करा, और आप बोलते हैं, भाई वाह, और ठंडी सी आहें भरते हैं, काश मैं भी ऐसे पतली हो सकती। अब इस महीने के पूरे महीने के डाइट प्लान के साथ आप वो अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। इस डाइट प्लान में हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है HDC = W, यानी कि हाइड्रेट प्लस डिटॉक्स प्लस क्लेंस = weight loss results। यही वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे, जिसको लेकर के जब आप मील्स को खाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से पोषण मिलेगा, आपको कहीं पर भी कमजोरी महसूस नहीं होगी, और आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फैट एक्यूमुलेशन हो रखी है सबका हो जाएगा सफाया। धीरे धीरे, देखते देखते, रोज थोड़ा थोड़ा करके आपका वजन गिरने लगेगा और बहुत ही अच्छा हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। अचूक रिजल्ट्स देने वाला ये डाइट प्लान है पूरे महीने की प्लानिंग के साथ में। महीने में है 4 हफ्ते, हर हफ्ते में है 7 दिन, और 7 दिन में से ऑड और इवन डेज के अलग अलग डाइट प्लान, जो इतना आसान कि कोई भी फॉलो कर सकता है बिना किसी झंझट के। और तो और, इस पूरे डाइट प्लान में कोई भी महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब वही हैं जो आपके पास घर पर अवेलेबल हैं ही ऑलरेडी। तो आइए जल्दी से मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला अमेजिंग, शानदार ऑड इवन डाइट प्लान। अब आप सोचेंगे कि ये ऑड और इवन डाइट प्लान तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है फॉलो करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है, हफ्ते में है 7 दिन, 1, 3, 5, 7 जो डेज हैं पूरे हफ्ते के वो होंगे हमारे ऑड डेज, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, और जो हमारे इवन डेज हैं 2, 4, 6 यानी कि ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, उनका डाइट प्लान होगा अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि रोज सेम सेम खाना खाने से शायद आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो जाए और वो वाले रिजल्ट्स ना आ पाए जिसके लिए हम एम कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जल्दी से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वाला ऑड और इवन का डाइट प्लान, जिसमें सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत होगी एक अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। अब पूरे महीने आपने एक ही ड्रिंक लेनी है, जो की होगी ये वाली। इसमें आपने लेना है सौंफ और जीरे का पानी, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच जीरा आपने लेके रात को ही भिगो के रखना एक बड़े ग्लास में। कम से कम 250 ml पानी होना चाहिए उसमें, उसके अंदर भिगो के रखिए। सुबह उठते ही इस पानी को, जो अब चार्ज हो चुका है इन दोनों कंपाउंड्स के अच्छी गुडनेस तत्वों से, उसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। उबालना है आपने और फिर आपने इस पानी को लेना है। जब ये पानी आपके अंदर जाएगा तो एकदम डिटॉक्स और क्लेंस का काम करेगा। तो अब मॉर्निंग ड्रिंक तो ले लिया आप लोगों ने, उसके आधे घंटे बाद आपको नाश्ता लेना अलाउड है, और जिन लोगों ने ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने की जल्दी में नाश्ता नहीं ले पाते, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़े ही सरल, असरदार, ऐसे इफेक्टिव नाश्ते के ऑप्शंस जो आप पहले भी तैयारी करके रख सकते हैं। हम बनाएंगे इसमें 3 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है पोहा का।
पोहा के अंदर अक्सर ये गलती होती है कि प्रोटीन का सोर्स नहीं होता, तो आपने या तो इसके अंदर स्प्राउट्स ऐड करने हैं या फिर पीनट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको पोहा की क्वांटिटी रखनी है 30 से 40 ग्राम। साथ में जो आप प्रोटीन ऐड कर रहे हैं वो होगा कम से कम 50 ग्राम्स और जो वेजिटेबल की क्वांटिटी है वो रहेगी 100 ग्राम। नंबर टू ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ परांठे का। परांठे में आप चाहें तो पनीर और गोभी का स्टफ परांठा ले सकते हैं, या इस तरह से बनाया गया मेरा पनीर लिफाफा परांठा जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, उम्दा, एकदम नई ताजो तरीन रेसिपी। तो अब आते हैं तीसरी रेसिपी पे, जो की है मूंग दाल इडली की। इतनी आसान, इतनी टेस्टी, इतनी हेल्दी, सिर्फ 21 कैलोरीज है एक इडली में, ना 3 से 4 इडली आप लोगों को अलाउड है चटनी के साथ में। आइए मैं दिखाऊं आपको ये वाली शानदार मजेदार रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मूंग की दाल। यहाँ पर मैंने ली है आधा या एक कप तक मूंग की दाल। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो के रखा है। आप चाहें तो रात भर भिगो सकते हैं या फिर 3 से 4 घंटे कम से कम। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक का एक पीस और साबुत हरी मिर्ची। आप चाहें तो हरी मिर्च को ओमिट भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे बहुत ही कम पानी ऐड करके। और अब ये गठीला सा जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है इसके अंदर डालेंगे कद्दूकस करी हुई गाजर, शिमला मिर्च बारीक बारीक कटी हुई और बीन्स। साथ में डाल देंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर। बहुत ज्यादा स्पाइसेस या मसाले ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक तड़का तैयार करेंगे जिसमें हमने डाला है आधा छोटा चम्मच तेल और डाले हैं सरसों के दाने, कड़ी पत्ता। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद यही वाला जो तड़का है इस इडली के बैटर में डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे इनो। यहाँ पर मैं इनो का एक छोटा वाला सैशे ले रही हूँ। उसको एक्टिवेट करेंगे थोड़ा पानी डाल के और ये देखिए कितनी फूली फूली सी, बहुत ही सॉफ्ट सी इडली बनकर तैयार होगी। इडली के मोल्ड को लाइटली ग्रीस करेंगे ऑयल से और इस तरह से इडली को स्टीम करेंगे कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए। और जैसे ही ये पक्के तैयार हो एक बार चेक कर लेंगे। हल्का ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे और ये बढ़िया सी इडली तैयार है। अब ऑड डेज के आपने देख लिए हैं 3 ऑप्शन, पोहा, परांठा या फिर इडली। आइए अब मैं दिखाऊं आपको इवन डेज के 3 ऑप्शन। इवन डेज में आपको नाश्ते में ये 3 चीजें अलाउड है, आराम से खाइए मजे में। आपको अलाउड है मिक्स वेजिटेबल या फिर पनीर का सैंडविच, जिसमें आप लेंगे 2 स्लाइस आटा ब्रेड की, साथ में आप लेंगे 30 से 50 ग्राम पनीर और ढेर सारी कटी हुई सब्जियां। सेकंड ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो है मूंग दाल चीला का, या फिर आप चाहें ओट्स चीला या बेसन चीला भी बना सकते हैं, जिसमें मूंग दाल, ओट्स या फिर बेसन की क्वांटिटी रहेगी 30 ग्राम, सब्जी रहेगी कम से कम 50 से 80 ग्राम और तेल रहेगा 1 छोटा चम्मच। इस तरह से आप अपने लिए सैंडविच चीला या फिर तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि है दलिये का। दलिया भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नाश्ते का। दलिया अगर बना रहे हैं तो ओट्स या फिर ब्रोकन व्हीट यानी कि दलिया का इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ऐड करिए खूब सारी सब्जियां। 10-10:30 बजे जब आपका मिड मॉर्निंग मील स्नैक का टाइम होता है तब आपको अलाउड है 1 कोकोनट वाटर। ये आपको लोड कर देगा काफी सारे न्यूट्रिएंट्स से। साथ में आप चाहें तो ले सकते हैं कोई भी एक फ्रूट। भगवान का बनाया हुआ ये जो फ्रूट है ये एक होल फूड है, इसको अगर आप चाहें तो इस टाइम पे लीजिए। एनी वन फ्रूट ऑफ योर चॉइस इज अलाउड। अब मिड मॉर्निंग स्नैक भी हो गया, लंच का क्या? बहुत ही टेस्टी और उम्दा ऑप्शंस हैं आपके ऑड डेज पर। यहाँ पर आप ले सकते हैं रोटी और राइस में से कोई भी एक ऑप्शन, साथ में आप ले सकते हैं राजमा, छोले या फिर दाल में से कोई भी एक ऑप्शन। रोटी अगर आप ले रहे हैं तो पहले एक रोटी से स्टार्ट करेंगे। चावल ले रहे हैं तो अपनी मुट्ठी के हिसाब से उबले हुए चावल आपको अलाउड है। साथ में दाल, राजमा या छोले ले रहे हैं तो एक बोल आपको अलाउड है। साथ में लेंगे 1/4 प्लेट भर के सैलेड और कम से कम 1 कटोरी भर के दही। दही जो है वो लो फैट दूध का होना चाहिए, आपके घर का बना हुआ, मार्केट या स्टोर से खरीदा हुआ नहीं। जो सेकंड ऑप्शन मैं आप सबको दे रही हूँ वो है 1 डोसा का, साथ में पीनट चटनी और 1 बोल सांबर का। डोसा जो है वो वेजिटेबल डोसा या वेजिटेबल उत्तपम होना चाहिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगता है। एक बड़े साइज का डोसा आप लोग बना सकते हैं, चाहे उसको चावल का बनाइए, ओट्स का बनाइए या रागी का बनाइए। नेक्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो है इडली का, लेकिन यहाँ पर आपने इडली बनाते समय ओट्स का इस्तेमाल करना है ढेर सारी सब्जियां डाल के।
ओट्स इडली जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, उसको आप सांभर के साथ ले सकते हैं या दाल के साथ ले सकते हैं या फिर आप ओट्स का पुलाव भी बना सकते हैं। ऑड डेज का खाना देख के जो जो लोग खुश हो गए हैं जल्दी से आइए, इवन डेज का लंच देखें। यहाँ पर आपको अलाउड है एक बड़ा ग्लास शेक का या फिर लस्सी का। आइए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर शेक और लस्सी बनाने का सही तरीका। उसके लिए आप सबसे पहले लेंगे ओट्स जो आपने लेने हैं कम से कम 30 ग्राम, फिर आप लेंगे कोई भी एक फ्रूट अपनी चॉइस का। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आप ऐड करेंगे वो है सोक्ड बादाम। आपने लेने हैं 4 से 5 भीगे हुए बादाम, उसका छिलका उतार के आपने ऐड करना है शेक में। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है एक खजूर का, इस शेक को वो मिठास देने का। बट अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं उसके साथ ही आपने खजूर लेना है। नेक्स्ट आपने लेना है या तो दूध या फिर दही, इन दोनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट चूज करिए। 100 ml तक आपने लेना है, बाकी इसको कंसिस्टेंसी ऐड करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक फिलिंग ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर ओट्स हैं जो आपको काफी समय तक फुलनेस की फीलिंग देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं इवनिंग टी की तरफ। अब भाई शाम की चाय तो बनती है, तो इस समय आप अपनी चाय ले सकते हैं, आप लोगों को अलाउड है। अगर आप ऑड डेज की बात करें तो आपके चाय का स्नैक बहुत ही डिफरेंट रहेगा। इसमें आपको अलाउड है मखाना, मुरमुरा, भेल बना लीजिए या फिर आप ले सकते हैं चने की चाट, लेकिन चाय में चीनी नॉट अलाउड। आइए अब देखते हैं इवन डेज पे आप लोगों के खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ पनीर बाइट्स का ऑप्शन और तो और पिज्जा बाइट का भी। ये वाली दोनों रेसिपी आपको मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, लेकिन जिन लोगों को ये भी काफी लग रहा है तो वो ले सकते हैं सिर्फ पनीर की क्यूब्स, उसके ऊपर हल्का सा नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के आप लोग ले सकते हैं। आपको अलाउड है एटलीस्ट 40 to 50 grams ऑफ पनीर यहाँ पे, वो भी लो फैट मिल्क। देखिए अब तक जो ये पूरा डाइट प्लान है ना एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन यहीं पर आके चारों खाने चित हो जाते हैं आधे से ज्यादा लोग। और वहीं आपका फोन जाता है बाहर से कुछ खाना मंगाने में और उस ऐप के जंजाल में आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। और तो और आजकल लोगों को खाना खाते खाते भी फोन देखने की आदत लग चुकी है। आइए आपको दिखाऊं डिनर के ऑप्शंस में क्या क्या है। और डेज में आप ले सकते हैं ये बेहतरीन पॉरेज का ऑप्शन, पॉरेज यानी कि खिचड़ी। ये आपने बनानी है किसी भी एक ग्रेन को लेकर के, चाहे आप चावल चूज करिए, दलिया चूज करिए, कोई भी एक मिलेट चूज करिए, रागी, ज्वार, बाजरा, होल ग्रेन यूज करिए। यहाँ पर हम लेंगे कोई भी एक ग्रेन कम से कम 30 या 40 ग्राम। उसके बाद हम ऐड करेंगे ढेर सारी सब्जियां कम से कम 100 या 150 ग्राम बारीक बारीक कटी हुई, और इसको पतली कंसिस्टेंसी का एक पॉरेज की शेप देंगे। एक बड़ी सी बोल भर के हल्के फुल्की स्पाइसेस ऐड करके 1 चम्मच घी के साथ अपना खाना खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है, बड़ा ही फुलफिलिंग ऑप्शन है। अब इवन डेज यानी कि ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे पे आपको अलाउड है डिनर ऑप्शन में सिर्फ सैलड्स, लेकिन सैलड्स में वैरायटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ रूखा बेजान कटा हुआ सलाद थोड़ी खाना है। इसके अंदर आप ले सकते हैं दाल का सैलड या फिर दलिया का सैलड, मखाना का सैलड या फिर स्प्राउट्स का सैलड। ये सारी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज आप लोगों को मिलेंगी मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। तो ये थी हमारी शानदार ऑड और इवन डाइट प्लान, जिसमें पूरे दिन का ब्यौरा दिया है आपको, कब खाना है, क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। अब अगर पतले नहीं हुए ना तो फिर मैं बहुत नाराज होऊंगी। अपने डिनर के कम से कम 2 घंटे के बाद आपने लेना है आंवले का जूस। ये फ्रेश आंवले का जूस है। एक आंवला आपने लेना है, या तो उसको कद्दूकस करिए या मिक्सी में चर्न कर दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से जूस निकल आएगा। आधे ग्लास गुनगुने गर्म पानी के साथ में आपने ये लेना है, लेकिन अपने डिनर के तकरीबन 2 घंटे के बाद में। ये आपकी गट क्लेंजिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो जो हमारा फॉर्मूला है HDC इज इक्वल टू वेट लॉस, अब वो हुआ पूरा। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक आप अपना वेट लॉस गोल जरूर अचीव करेंगे, लेकिन पहले कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वेट कितना लूज करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप अपने लिए क्या गोल सेट कर रहे हैं। आई विल सी यू सून विद मेनी मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोज। अंटिल देन टेक केयर।